तो यार हमारे जो दोस्त हैं वो भी और हमारे जो दुश्मन हैं वो भी, सारे देश लगभग जानते हैं कि भारत की नेवी को सबमरीन्स के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भारत बिल्कुल एक टांग पर खड़ा है कि कोई अगर सूटेबल ऑफर मिलता है तो भारत उसे अपने हाथों से नहीं जाने देगा। इसी वजह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75i को स्टार्ट किया था, लेकिन इस पर कोई खासा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला। कारण था कि सारे देश एक एक करके वापस चले गए, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि साउथ कोरिया शुरुआत से लेकर अभी तक इसमें बना हुआ है, यानी साउथ कोरिया की तरफ से कह दिया गया है कि आपको जो करना है वो करिए, बस आप हमारी सबमरीन्स ले लीजिए, हम आपको मॉडर्न क्लास की सबमरीन्स देने के लिए तैयार हैं और किसी तरह की कोई शर्तें और किसी तरह की कोई बाधाएं बीच में नहीं आने देंगे। और हम लोग काफ़ी समय से बात भी कर रहे हैं कि इस कंपटीशन में अकेला साउथ कोरिया ही अभी तक बना हुआ है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो कंपटीटर बाहर चले गए थे उनके वापस आने की शुरुआत हुई, जिसमें जर्मनी सबसे बड़ा नाम था। अब जर्मनी, हम जानते हैं कि हमारी नेवी की पहली चॉइस जर्मन सबमरीन सी थी। जर्मनी को लेकर मैं आपको पास्ट में भी बता चुका हूँ, कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आई है, जैसे कि जर्मनी के अंदर मंदी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 6 महीने से उसकी जो GDP है वो लगातार माइनस में जा रही है, उसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है। इसके अतिरिक्त काफ़ी लंबे समय से जर्मनी डिफेंस का मार्केट भी अपना खो चुका है। तो जर्मनी को अपने आप को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए और डिफेंस के क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए भारत के साथ ये डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6 सबमरीन के बदले ये सौदा 50,000 करोड़ रुपए का है। तो इतना बड़ा सौदा डेफिनेटली कोई भी देश अपने हाथों से यूं ही नहीं जाने दे सकता। इस वजह से जर्मनी ने एक तरकीब निकाली, उन्होंने कहा कि ठीक है प्रोजेक्ट 75i को आप छोड़िए, इसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए इन सबमरीन्स को आपको देते हैं, जिसमें आपकी तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उनमें थोड़ी सी डिले दीजिए और हमारी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई है उन्हें आप मान लीजिए। और उनकी शर्त क्या थी, तो उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी वो यही थी कि भारतीय टेक्नोलॉजी और सबसिस्टम्स का इस्तेमाल इसमें ना किया जाए, जिससे कि इस प्रोजेक्ट में देर ना हो। और इसको लेकर मैंने आपको बताया था कि जून मंथ में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जर्मनी के विदेश मंत्री यहाँ जो भारत आ रहे हैं उनका मकसद केवल प्रोजेक्ट 75i तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक में भी वो अपनी धमक जमाना चाहते हैं, तो सबमरीन वगैरह के साथ साथ कुछ नेवल ड्रोन्स वगैरह को लेकर भी डिटेल में चर्चा होगी। वो 6 जून के दिन भारत में ही होंगे, जहां पर वो अपने ऑफर्स को भारत के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस खबर के केवल 24 घंटों के बाद ही साउथ कोरिया भी एक्शन में आ जाता है, और जैसा कि साउथ कोरिया काफी लंबे समय से इस प्लानिंग को करके बैठा है कि भारत की सबमरीन की डील हमें ही लेनी है, इसके लिए उसने भी नए सिरे से ऑफर दे दिए हैं। अब उसने क्या ऑफर दिए हैं ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि इस टेंडर के लिए जितना भी कंपटीशन बढ़ेगा इसमें फायदा सीधे सीधे हमें होगा। जर्मनी को भी ऐसा ना लगे कि देखिए भारत केवल जर्मनी के सहारे है, अगर ऐसा जर्मनी को प्रतीत होता है तो जर्मनी बराबर नेगोशिएशन नहीं करेगा, अगर कोई दूसरा देश भी होता है तो वो भी नेगोशिएशन करने से पहले फिर हिचकिचाएगा और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो इसमें फायदा बायर का होता है। तो अब बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से उसकी सबसे लेटेस्ट KSS-3 बेच-2 सबमरीन देने के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार है, और बताया जा रहा है कि ये सबमरीन्स पुरानी वाली सबमरीन्स की तुलना में काफी ज्यादा उन्नत है, जिसमें इनकी अटैकिंग क्षमता को और साथ ही इनकी डिडक्शन कैपेबिलिटी को कई गुना एनहांस करके दिया गया है। साथ ही इन सबमरीन्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी शामिल है, जो कि क्रूज मिसाइल्स को बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकती है, और ये हमारी भी प्रायोरिटी है कि भारतीय सबमरीन क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर पाए। और साथ ही इनकी रेंज वगैरह के ऊपर भी काफी काम किया गया है, तो परिचालन में भी किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आने जा रही है। साथ ही अगर KSS-3 की बात की जाए तो ये 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आती है, तो कहने का मतलब भारत की सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करने में सक्षम है। इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील कर ली जाए और भारत डायरेक्टली हमसे इन सबमरीन्स का अधिग्रहण कर ले। यहाँ पर मैं आपको वैसे बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 75i के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम सेट किया है और उसमें जो प्रोसेस होनी है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के माध्यम से भी वैसा कुछ होगा ही होगा, है ना। इसमें भी लोकली इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना जरूरी है, जिसमें भारत की ही शिपयार्ड कंपनीज इनके साथ साझेदारी करने जा रही है। तो कहने का मतलब जो पिछले कुछ समय से हम लोग जूझ रहे थे कि ऑफर्स ही नहीं आ रहे हमारे पास, इस वजह से प्रोजेक्ट 75 अटका हुआ है, तो वहां पर आप देखने के लिए मिल रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से कई सारे ऑफर्स एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया का ये मानना है कि भारत के पास जो सबमरीन्स का अभाव है अगर इसे पूरा कर दिया जाता है तो ये उनके फेवर में भी जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत का जो टारगेट होगा या भारत जिनके खिलाफ ये तैयारियां कर रहा है सबमरीन्स वगैरह को लेकर वो चाइना ही है,
तो अगर चाइना के खिलाफ भारत मजबूत होता है, जिसके लिए सहयोग साउथ कोरिया करता है, तो ये साउथ कोरिया के लिए भी एक फायदे वाली बात है। तो ऐसी परिस्थिति में साउथ कोरिया ऊपर नीचे होने के लिए भी तैयार है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत की नौसेना किसके साथ जाना पसंद करती है। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही कॉम्पिटिशन होते हुए दिखाई दे रहा है जैसा कि रफाल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच में हुआ था। दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे थे, भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे, दोनों के ऊपर ट्रायल लिए गए, जो जमा उसके लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों में से किसकी सबमरीन को भारत ने अक्वायर करना चाहिए।